आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, सॉफ्ट, बाज़ार में तंदूर पर बनने वाला बटर नान। बगैर तंदूर के, बगैर ओवन के हम इस नान को तावे पर बनाएंगे और बहुत ही सिंपल, इजी और इस तरीके से। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, 1 चम्मच शुगर पाउडर ऐड करते हैं, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, 1/2 चम्मच नमक ऐड करते हैं, 1 चम्मच रिफाइंड तेल ऐड करते हैं, 1/4 कप दही ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं आटे में। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेते हैं। आटे में पूरा पानी के साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटे को गूंदना है। आटे में ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डाल के गूंदेंगे। ज़्यादा पानी हो जाएगा तो आटा गीला हो जाएगा, फिर बाद में सही नहीं होता आटा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लिया है। आटा गूंद कर तैयार हो गया है, ढककर रख देते हैं घंटे के लिए, आटा सेट हो जाए। का खोल कर चेक करते हैं, आटा अच्छे से फूल कर सेट हो चुका है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। आटे से लोई काट लेते हैं इस तरह से, पेड़ा तैयार कर लेते हैं। सूखा आटा लगा देते हैं। आटे को झाड़ लेते हैं इस तरह से। लोहे को हाथ के साथ से बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। सूखा आटा लगा लेते हैं। आटे को झाड़ लेते हैं, बेल लेते हैं। रोटी को बेल कर तैयार कर लिया है। रोटी पे थोड़े से कलौंजी लगा लेते हैं इस तरह से। लगा लेते हैं इस तरह से। बेलने से हल्का सा बेल लेते हैं इस तरह से। रोटी बेलकर तैयार हो गई है, इसे सेक लेते हैं। रोटी पर पानी लगा लेते हैं इस तरह से। तारे को मीडियम आंच पर रखा था, गर्म हो गया है, रोटी ऐड करते हैं। आंच को तेज़ कर लेते हैं, दूसरी तरफ से पलट कर रोटी को सेक लेते हैं इस तरह से। रोटी को तेज आंच पर घुमाकर चारों तरफ से सेक लेते हैं। दूसरी तरफ भी 2 मिनट तक सेक लेते हैं धीमी आंच पर। तंदूरी नान दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बटर लगा लेते हैं। तंदूरी तावा नान में बटर लगा लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी तावा बटर नान बनकर तैयार है। तावा बटर नान की ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।